राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और जा रही हूँ कान्हा जी का पूजा वगैरह करने के लिए। कान्हा जी को स्नान करवा दी हूँ और आज मेरे को पूरा सामान यहाँ का सरियाना है। जितना कपड़ा धोई हूँ सबको ला करके सरियाना है। और मंदिर का जो फूल वगैरह है वो भी मैं वॉश की हूँ, उसे भी मैं लगाऊंगी। अभी अभी मंदिर का बहुत सारा काम बाकी है और कुछ सामान मैं लाई हूँ पूजा का, उसे भी जा रही हूँ सेट करके रख देने के लिए। पूजा का सारा सामान खत्म हो चुका था तो मैं आज इसे लाई हूँ और ये सब अभी सेट करके रखूँगी तो फिर पूजा वगैरह अभी हो जाएगा। और इस टोकरी में सारा सामान एक जगह मतलब रख देती हूँ तो पूजा करने में आसानी होता है। और ये इसमें से निकाल करके पूजा कर लेती हूँ। और इस डब्बे में मैं घी का बत्ती डाल करके रख दूंगी। और मैं हमेशा पतंजलि का ही घी मतलब इस्तेमाल करती हूँ। ये पतंजलि का घी शुद्ध होता है, अच्छा रहता है दीपक जलाने में भी और भोग वगैरह बनाने में। ये देखिए मैं पूजा का सामान में लाई हूँ। ये धूप अगरबत्ती है और ये है कपूर और ये सब इकट्ठे ला कर के रख देती हूँ। और ये इत्र, कान्हा जी का पूजा में इत्र लगता है। और ये मिट्टी का दिया है और ये है तिल, तिल का तेल, इससे डेली दीपक जलता है। और ये देखिए ये है बादाम और मिश्री, बादाम और मिश्री मिक्स करके रख देती हूँ। जब कुछ भोग लगाने के लिए नहीं रहता है तो बादाम मिश्री से भोग लग जाता है। और यहाँ पर मैं बतियर को घी में डाल करके रख दे रही हूँ और ये डेली दीपक जलाने में काम आता है। और बादाम और मिश्री मिक्स करके रख देती हूँ और अलग से भी बादाम रखती हूँ चटनी बनाने के लिए कान्हा जी के भोग के लिए। और देखिए जो फूल मैं धोई थी उसे ले आई हूँ, मंदिर में लगा दूंगी। अभी देखिए मंदिर कितना सुना सुना लग रहा है, जब फूल लग जाएगा तो मंदिर भी अच्छा लगने लगेगा। और बिना फूल का मंदिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए मैं सारे को अच्छे से लगा दूंगी। यहाँ पर मैं सभी का स्नान करवा रही हूँ। थोड़े दिन में ही सभी पर डस्ट आ जाता है, गंदा गंदा लगने लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सभी का स्नान करके आज वस्त्र चेंज करवा दूँगी और मेरा मंदिर जो है साफ़ सुथरा रहता है तब मुझे पूजा करने में भी अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा भी गंदगी देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और जब जिस दिन सफाई होता है मतलब सभी का वस्त्र चेंज होता है उस दिन मंदिर बहुत ही सुंदर लगता है। और देखिए मेरे कान्हा जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और सभी का वस्त्र मैं चेंज की हूँ और आज बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरह मैं बराबर करती रहती हूँ। और यहाँ मेरा बाबू है, टीवी देख रहा है और ये खड़ा होकर कभी बैठ के इसी तरह अपना टीवी देखते रहेगा। और पूजा करने में बहुत ही लेट हो गया था तो उसके बाद मैं किचन में गई और कुछ जो बनाना था मैं बना ली हूँ। और कान्हा जी के लिए मैं भोग बनाई हूँ और भोग उनको लगा दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और जा रही हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। बहुत सारा कपड़ा जो वॉश हुआ था सब सुखा करके रखा हुआ है और उसे फोल्ड नहीं की हूँ, अब मैं जा रही हूँ फोल्ड कर लूँ। और क्या है कि आज ज़्यादा मतलब कुछ बनना नहीं था, सिंपल से खाना बनाई हूँ। और शाम को ये 7-Up चल रहा है और बच्चे लोग को मन था कि हम लोग मतलब ठंडा कुछ पिए
तो वही अभी गर्मी का मौसम है तो ये सब ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, तो सभी लोग पी लिए हैं और उसके बाद मैं भी अपना लेकर के बैठ गई हूँ पीने के लिए। और आप लोग भी आइए पी लीजिए ठंडा। और चलिए अब किचन में, आज मैं कुछ विशेष बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये बन रहा है बालू शाही और ये बनेगा नमकीन। और ये बच्चों के लिए सुबह में लंच बॉक्स के लिए मैं बना दे रही हूँ कि कुछ दिन तक ये सब चलेगा। और वही मैं चाशनी चढ़ाई हूँ और यहाँ पर बन रहा है ये, मैं धीमे आँच पर इसे तल रही हूँ और ये सब बना करके रखने वाली हूँ क्योंकि बाबू दिन भर कुछ ना कुछ मांगते रहता है कि ये दो मम्मी वो दो मम्मी, और दिन भर मुझे परेशान करके किचन में भेजते रहता है, मम्मी रसना बनाओ मम्मी ये करो। तो मैं सोची कुछ बना दूंगी तो खाते रहेगा वो। है 8 और मैं साड़ी चेंज कर ली हूँ क्योंकि गर्मी लग रहा था और नाइटी पहनी हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ बालू शाही और इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ कि कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो आगे मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पहले मैं खुद अच्छा से बना लूँ उसके बाद। तो वही बालू शाही बना रही हूँ और नमकीन में बना रही हूँ, बड़ा बड़ा जो नीमकी जैसा होता है वो बड़ा बड़ा नमकीन भी बना लूँगी, उसके लिए बेल करके रखी हूँ। और ये बना करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बाबू हमेशा कहते रहता है कुछ दो खाने के लिए, तो बना रहेगा तो वो कुछ ना कुछ खाएगा और यहाँ लंच बॉक्स में भी लेकर चला जाएगा, सुबह में टेंशन नहीं रहेगा। और इसे तल करके और ये चाशनी में डाल करके और थोड़ा सा 6-7 मिनट तक रहने दूंगी। और यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा नमकीन बना रही हूँ क्योंकि मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी अच्छा लगता है। और ये बालू शाही जो है मतलब तल चुका है और इसे मैं ये डाल दी हूँ चाशनी में, ये थोड़ा देर तक चाशनी में रहेगा तो इसका रस ये ले लेगा, तो उसके बाद ये अच्छा बन जाएगा। और इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अच्छा बना था बालू शाही, टेस्टी लग रहा था सभी को। और यहाँ पर देखिए मतलब नमकीन भी मैं थोड़ा छान ले रही हूँ और नमकीन और मीठा दोनों हो जाएगा। और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग वीडियो का एंजॉय करिए, फुल वॉच करिए।